जैसे मेरी वाइफ है, जो मैं मेडिटेशन की डेफिनेशन है तो ये समझाऊँ, हु इज़ लिविंग इन ए प्रेजेंट मोमेंट, पूरे घुला हुआ है इन द प्रेजेंट मोमेंट। जैसे हम आपसे बात करें तो लिसनिंग यू आई मीन दिस मोमेंट, देन आई मीन काइंड ऑफ मेडिटेशन। सो जैसे जो मेरी वाइफ है शी इज़ काइंड ऑफ मोर लिवेबल, मतलब वो पूरे मोमेंट से जुड़ी हुई है विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन, एंड शी इन्जॉयज एवरीथिंग जो भी करंट मोमेंट में आता है। और बट इसमें इमोशंस की भी काफ़ी हाई वेरिएशन है डिपेंडिंग अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर्स, कभी बहुत ज़्यादा खुश या कभी कभी दुखी भी डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल, बट शी इज़ विद द करंट मोमेंट, उसमें कोई मतलब मिलावट नहीं, हर चीज़ मतलब इन्जॉय, शी इज़ इन्जॉइंग फूड, शी इज़ इन्जॉइंग वेदर, शी इज़ इन्जॉइंग सन, शी इज़ इन्जॉइंग प्लांट, एवरीथिंग। और वेरिएशंस भी है, अब जैसे मैं हूँ तो वैसे मेरे में वेरिएशंस कम है, एंड लाइक आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी एंड एवरीथिंग, तो वेरिएशंस भी कम है, मतलब मेरे में इमोशंस बहुत ज़्यादा नहीं होते। जब बहुत खुशी का भी आएगा देन आल्सो आई डोंट फील वेरी हैप्पी, जब कोई दुख का भी आएगा तो आई डोंट फील वेरी सैड। तो मुझे ये मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों, इसका क्या अर्थ है लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, क्या मतलब क्या है इसका? कि जैसे मैं हूँ जिस मोमेंट पे, आई एम इनटू इट, इनटू इट हाउ व्हाट, एवरीबॉडी इज इनटू इट, आप जहाँ हो वहीं तो हो और कहाँ हो कैन ऑफ फीलिंग, आई एम फुली इनटू दैट मोमेंट, आई एम फीलिंग दैट मोमेंट, आई एम नॉट, यू हैव फीलिंग्स विद रिस्पेक्ट टू दैट मोमेंट, यस feelings with respect to that moment, इसको आप कह रहे हैं being in that moment? ध्यान वही है जो आप कर रहे हो, आप feelings will vary, but मेरी emotions कम है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाऊँगा। इतिहासकार है, उसका काम ही है इतिहास के बारे में सोचना, विश्लेषण करना, तो उसके लिए बीइंग इन द मोमेंट का क्या अर्थ हुआ कि वो पीछे के बारे में सोचे ही नहीं? नहीं बिल्कुल सोचे, फिर बीइंग इन द मोमेंट का अर्थ क्या है? जिस काम के लिए वो लगा हुआ है, इज अटेंटिव, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, वो उस समय उसी मोमेंट के अंदर है, एंड आउटसाइड थॉट्स देयर इज नो, ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, इट्स कंप्लीटली आप का यहाँ सत्र चल रहा हो और भीतर बैठे आप पकौड़े खा रहे हो, और आप बिल्कुल मनोयोग से पकौड़े खा रहे हैं, कुछ और आपको ख्याल ही नहीं है कि सत्र बीत गया, तो ये बीइंग इन दिस मोमेंट ही हुआ कि भाई जो कर रहे हो वही करो और कुछ सोचो ही मत? आपकी परिभाषा के अनुसार तो ये बिल्कुल ठीक है बीइंग इन द मोमेंट, इधर उधर की बात सोचो ही मत, जो कर रहे हो वही करे जाओ। तभी मैंने बोलता कि क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो सोचना तो पड़ेगा, सोचना तो इधर उधर का सोचना पड़ेगा, तो बीइंग इन द मोमेंट में थॉटलेसनेस तो नहीं हो सकती? थॉटलेसनेस नहीं हो सकती, यस, मोमेंट में रहेंगे तो देन देयर विल बी, देयर शुड नॉट बी एनी, तो देयर शुड नॉट बी एनी थॉट्स, यू एंजॉय द पकौड़ा, यस, अगर आई एम ईटिंग पकौड़ा देन आई एम fully into it. I'm fully into it, right? And after eating pakoda, you sleep. You should be fully into it. And then you feel, by feeling pe to chalna, and then you feel like watching TV, you should be fully into watching the TV. Then you feel like raping someone, and you should be fully into raping. Don't you see this is a very nonsensical propaganda? Be fully into whatever you are doing. Don't you see? There is only one important thing, which is to know
who you are and hence what your action must be. And feelings too are actions. If you do not know who you are, your feelings will be totally misplaced. वो अंदर चला गया है। फिर इतना तो इन द मोमेंट हुआ ही नहीं, मैं तो खरगोश देख रहा हूँ, अंदर कैसे चला गया? सत्संग के बीच में खरगोश कैसे देखा मैंने? मैं जो कर रहा हूँ पूरी तरह कर ही नहीं रहा, मेरा ध्यान खरगोश पे कैसे चला गया? जा कहाँ से रहा है? ये सब प्रचार है, प्रचलित है, बीइंग इन द मोमेंट, दिस एंड दैट। आप उपनिषदों को खोलेंगे, आप शास्त्रों को खोलेंगे, उनमें बीइंग इन द मोमेंट जैसी कोई बात नहीं है। ये बीइंग इन द मोमेंट कंजम्पशन को बढ़ावा देता है, इसीलिए एक इंडस्ट्रियल एज में ये बहुत प्रचलित मुहावरा है। खा रहे हो तो खाओ ना, क्यों विचार करते हो कि क्या आगे होगा क्या पीछे होगा? भले उधार लेके खाना पड़े, क्रेडिट कार्ड पर पिज्जा ऑर्डर करो। पेप्सी या किसी के विज्ञापन में आता तो था डू इट नाउ, डू इट अभी, क्या तो था उनका एक था, कुछ ऐसे ही था वो, डू इट अभी, यही तो है, डू इट इन दिस मोमेंट। वास्तव में वर्तमान क्या है इसको समझिएगा, वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीना माने उसमें जीना जो वास्तव में है, वर्तता है, जो वर्तमान, वर्तमान विद्यमान जो है उसमें मत जियो जो नहीं है। सबसे पहले तो तुम जानो कि क्या है जो आवश्यक है और उसी में जियो, ये है लिविंग इन द प्रेजेंट। सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सार असार में भेद क्या है। मूर्खता कहाँ है और प्रज्ञा कहाँ है, उसके बाद तुम मूर्खता में नहीं जी रहे, ये है लिविंग इन द मोमेंट। लिविंग इन द मोमेंट का ही बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि जो कर रहे हो वही पूरे तरीके से करो। आपकी फ्लाइट है, आपको पता है सोने के 3 घंटे ही मिलेंगे, और आप कह रहे हैं सो रहा हूँ तो पूरे तरीके से सोऊंगा, 8 घंटे की तो लूंगा ही लूंगा, तो हो गया काम। पूरे तरीके से नहीं सोया जाता, अब समझो बात को, पूरा होकर सोया जाता है, इन दोनों में बहुत अंतर है। एक बात है कि कंज्यूम फुली, और दूसरी बात है बी फुल एंड कंज्यूम। दूसरे में तुम कंज्यूम करते ही जाओगे करते ही जाओगे, पहले वाली स्थिति में तुम कंज्यूम करते ही जाओगे करते, और दूसरी स्थिति में क्या होगा समझ के? तुम कह रहे हो बी फुल एंड देन कंज्यूम, अब कितना कंजम्पशन होगा? कितना चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट अननेसेसरीली ट्राइंग टू fill up a void through consumption. Be mentally full. Don't try to satiate a mental hunger
थ्रू फिज़िकल फूड। हम में से ज़्यादातर लोग पेट की भूख नहीं के लिए नहीं खाते, मन की भूख के लिए खाते हैं। सो बी फुल एंड देन ईट, दैट इज़ कॉल्ड ईटिंग फुली, दैट इज़ कॉल्ड ईटिंग फुली। तो बीइंग इन द मोमेंट का ही समझिए, मतलब बीइंग इन द मोमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जब आप जान रहे हो कि आपके लिए क्या उचित है और उसी में पूरे तरीके से समर्पित हो, तो आप कह सकते हो कि आई एम इन द प्रेजेंट। मोमेंट तो फिर भी नहीं, आई एम इन द प्रेजेंट। The present is not a moment. Moment is a part of time. The present is not a moment. So, then you are in the present. So, present is part of time? No. Present is the vast space in which all time flows. Present encapsulates all time. Present में past, future और जिसे आप कहते हैं this moment, वो तीनों मौजूद होते हैं। Present is not a part of time. Present is the envelope of time. Time present के भीतर है। पास्ट भी प्रेजेंट में है, फ्यूचर भी प्रेजेंट में है, और आपका दिस मोमेंट वर्तमान क्षण वो भी प्रेजेंट में है, सब प्रेजेंट में है। लेकिन प्रेजेंट इन तीनों में से किसी में नहीं समा सकता, पास्ट और फ्यूचर में तो नहीं समा सकता, प्रेजेंट दिस मोमेंट में भी नहीं समा सकता। It is beyond time. आपको ये पता होना चाहिए कि प्लानिंग किस चीज़ की करनी है और क्या है जिसकी प्लानिंग न होनी चाहिए न की जा सकती है। आप यहाँ आए हैं उसकी प्लानिंग ठीक है, आप करा लीजिए, आपने रेलवे का टिकट बुक करा लिया वगैरह वगैरह, पर यहाँ आए हैं बैठे हैं मुझे सुन रहे हैं वो भी प्लान्ड तरीके से सुन रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। जो कुछ भी मटेरियल है उसकी प्लानिंग हो सकती है, और जो कुछ भी रियल बियॉन्ड मटेरियल है वो प्लानिंग में नहीं आता, उसकी प्लानिंग नहीं हो सकती। उसकी प्लानिंग जिसने कर ली वो फिर परेशान रह जाता है। Example. अभी दिया सर, वो बात होती है नहीं सही क्या है अब वो करें तो वो कैसे समझा तो यार ये सही है, क्योंकि जैसे अगर आप मोटा मोटा से मैं आप पढ़ रहा था किताब में तो मोटिवेशन पर भी सारी मोटिवेशन एक्सटर्नल होती है, वो एक पॉइंट के बाद दिख ही जाता है, चल के समझ आता है कि यार खड़ाका बोल गया अब तो नहीं हो रहा है, रॉन्ग नंबर है यू टर्न लो ठीक है, उसके बाद दोबारा कोई न
दूर होकर ढूंढोगे तब भी कुछ ना कुछ वैसे क्रिएट कर दोगे, मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो। देन फिर अगर जैसे आपको सुनो या किसी को सुनो, तो एक जो इन्फ्लुएंसर चल रहे होते हैं जहाँ से आप जिन लिए हैं, आप इन एक तरीके से ये आप अगर मैं आपको डेली वीडियो सुनूँ, आपको लाइव आकर सुनूँ, तो एक लेवल पे वो इन्फ्लुएंसेस कटते हैं, ठीक है, वो नेगेशन थी, बट एट एंड ये भी एक इन्फ्लुएंस ही बन जाता है। मतलब यहाँ तो जैसे एक साल मैंने क्या किया कि मैंने एक साल कहा कि मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा, ठीक है, बहुत सुन लिया, एक साल बिल्कुल नहीं सुनूंगा, चलो, तो बहुत प्रोडक्टिव हो जाते हैं। फिर जब खड़े होते हो कि यार ये तो प्रॉब्लम हो गई, दोबारा सुनते हो चीज़ें निगेट होती हैं, निगेट होती हैं, तो आप फिर यहाँ आ जाते हो, खड़े हो जाते हो। तो एट द एंड ये भी एक इन्फ्लुएंस होता है जिसको आप उससे काटते हो, फिर ये भी एट द एंड एक इन्फ्लुएंस बन के रह जाता है हर चीज़। लेकिन सब ये भी एक एक्सटर्नल, जिस तरह वो एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बन जाती है, ये भी एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बन जाता है। ये इन्फ्लुएंस सिर्फ तब बनेगा जब तुम ठीक से नहीं सुन रहे हो, वरना ये इन्फ्लुएंस नहीं बनेगा। ये इन्फ्लुएंस सिर्फ तब बनेगा जब तुम इससे इन्फ्लुएंस्ड होने को तैयार नहीं हो, समझो बात को। तुम इससे पूरे तरीके से अगर इन्फ्लुएंस्ड हो गए तो फिर इन्फ्लुएंस होने के लिए कुछ बचेगा नहीं। लेकिन तुमने अगर इसको ठीक से सुना नहीं और इसे पूरे तरीके से ग्रहण नहीं किया तो तुम बच जाओगे। और इन्फ्लुएंस होने के लिए तैयार रहोगे, तुम्हारी सत्ता बची रहेगी। दो तरह के शब्द होते हैं, एक वो होते हैं जो होते ही इसलिए हैं कि वो तुम्हें और ज़्यादा संस्कारित कर दें, तुम्हारे मन में खलबली मचा दें, तुम में कामना जगा दें, और एक शब्द होते हैं जो होते ही इसीलिए हैं कि वो तुम्हें शांत कर दें, तुम्हारी वासना मिटा दें। इन दूसरे शब्दों के बाद भी अगर तुम में बेचैनी है और तमाम तरह की इच्छाएं हैं, तो इसका मतलब यही है कि तुमने इन्हें सुना नहीं। सुना नहीं तो फिर आधा अधूरा असर होगा, उसके बाद ही बीमारी बची रहेगी। वो बीमारी ये शब्द लेकर के नहीं आए हैं, वो बीमारी इन शब्दों के बावजूद बची रह गई है, क्योंकि तुम पूरी तरह नहीं सुन पाए। उपनिषद है, उपनिषद तुम्हें 50 बातें बताते हैं पर तुमने पूरा नहीं पढ़ा। वो तुमसे कह रहे हैं इसकी भी नीति नीति करो, उसकी भी नीति नीति करो, ये भी भूलो, वो भी भूलो, और अंत में कह रहे हैं कि अगर सब कुछ समझ गए हो तो इन शब्दों को भी भूलो। पूरा तुमने पढ़ा नहीं, आधा पढ़ के छोड़ दिया, तो क्या नतीजा निकलेगा? बाकी सब कुछ भुलाओगे और उपनिषदों को रटते रह जाओगे। तो उपनिषदों को भूलने का एक ही तरीका है कि उनको पूरी तरह पढ़ो, पूरी तरह पढ़ो, पूरी तरह डूबो, पूरी तरह समझो, फिर भूल जाओगे। दुश्मनों से नुकसान तब हो जाता है जब उनके बहुत करीब चले जाओ, और संतों से नुकसान तब हो जाता है जब उनके करीब जाओ पर पूरी तरह करीब न जाओ। फिर होता यह है कि तुम्हें थोड़ा मिल गया और थोड़े तुम बचे रह गए, तो एक बेकार का मिश्रण तैयार हो जाता है। कुछ तो कर दी संत ने सफाई और बाकी तुम बचा ले गए। कुश्ती चलती रहती है, कुश्ती भी चलेगी, और वो एक बड़ा विचित्र जोड़ तैयार होता है कि जैसे कोई गंदी कड़ाही में पानी उबाले, साफ पानी, क्या होगा?
सफाई पूरी होने दो। अगर अभी तुम पर गुरु या ग्रंथ प्रभाव डाल रहे हैं तो इसका मतलब कि तुम हो अभी प्रभावित होने के लिए। अगर वो तुम पर प्रभाव डाल रहे हैं तो उनसे दूर मत भागो, उनके और करीब जाओ ताकि वो तुम्हें पूरा ही मिटा दें। फिर कौन प्रभाव डालेगा? फिर वो भी नहीं डाल सकते प्रभाव। कुछ बचा हुआ है ना प्रभावित होने के लिए, और करीब जाओगे वो भी मिट जाएगा, उसके बाद कौन तुम्हें प्रभावित करेगा? शक्कर का ढेला हो, और तुम उस पर चित्रकारी कर रहे हो, कितनी देर तक कर पाओगे? उस चित्रकार को चित्रकारी करने की पूरी अनुमति दी जानी चाहिए। क्यों? समझने के लिए कितना चित्रकारी कर रहा है, उसकी कूची में रंग तो है, पानी भी है। तुम्हें यह लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर चित्र बनाया जा रहा है, वास्तव में क्या हो रहा है? तुम्हें गलाया जा रहा है। तुम्हें यह लग रहा है कि तुमको एक नया चेहरा दिया जा रहा है, तुम पर एक नया चित्र उकेरा जा रहा है, ऐसा तो कुछ है ऊपर ऊपर? वास्तव में क्या हो रहा है कि चित्र बनाने की प्रक्रिया में शक्कर घुल रही है और कुछ ही देर में पूरी घुल जाएगी, उसके बाद कौन उस पर चित्र बना सकता है? कौन अब उसे प्रभावित कर सकता है? कौन उसे अब नया रंग दे सकता है? वो गई। तो गुरु भी ऐसा तुम्हें लगेगा कि जैसे तुम्हें नए चेहरे, नए चित्र, नए विचार दे रहा है, वैसा यदि हो भी रहा है तो नहीं हो रहा है। जो भी कुछ कर रहा है उस प्रक्रिया में तुमको मिटा रहा है। डर के भाग मत जाना कि पहले तो बाहर प्रभावित होते थे अब यहां प्रभावित होने लगे, पहले तो बाहर मुझ पर चित्र बनते थे अब यहां चित्र बनने लगे। बाहर वाले सूखे चित्र बनाते थे तुम पे, उनका स्वार्थ था कि तुम पर सूखा चित्र बनाया जाए ताकि तुम बने रहो। पहले एक चित्र बना दिया तुम पर, फिर दूसरा बना दिया। पहले चित्र में तुम बेटे हो, दूसरे चित्र में तुम पति हो, तीसरे चित्र में तुम कुछ और हो, चौथे चित्र में तुम कुछ और हो। ये सब सूखा सूखा तुम पर बनाया जा रहा है। गुरु भी हो सकता है तुम्हें कुछ बना रहा हो, मान लो उसने तुम्हें शिष्य बना दिया, वो भी एक किरदार ही है जो तुम्हें दे दिया गया, कि जैसे एक किरदार पहले मिला था कि तुम पति हो या कहीं पर तुम मुलाजिम हो, कार्यकर्ता, वैसे ही तुम्हें एक नया किरदार दिया गया है। कौन सा? कि तुम शिष्य हो। पर ये नया किरदार किरदार तो है पर कुछ ये और भी कर रहा है। क्या कर रहा है? ये तुम्हें पिघला रहा है। तो एक बार तुमने ये किरदार ले लिया, उसके बाद फिर कोई और किरदार नहीं लोगे और अंततः ये किरदार भी नहीं बचेगा। शक्कर के ढेले पर जो आखिरी चित्र बनाया जाएगा वो है शिष्य का, कि वो चित्र तो बना दिया, उसके बाद अब कुछ और नहीं बनेगा। क्यों? गया। तुम्हें गुरु की कुची का रंग दिखता है, ये नहीं दिखता कि रंग के साथ पानी भी है। तो वो तुम्हें रंग तो रहा है, पिघला भी रहा है, गला भी रहा है, मिटा भी रहा है। वारिया मेरा भरम सब दूर।